हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट आदि को संभालने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। कंप्यूटर की जो सभी प्रोसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है और संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का क्या होता है, एक सेट होता है। इसके बाद जिस प्रकार अल्ट्रा में म्यूजिक ऑर्गेनाइजर के इशारे पर विभिन्न वादक क्या बजते हैं, सॉन्ग्स वगैरह बजते हैं, वाद्य यंत्र बजते हैं, उसी प्रकार एक सामूहिक समूह प्रस्तुति देता है। ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल्स के अनुसार कंप्यूटर के उपकरण अपना कार्य करते हैं। ये देखिए, इस टाइप से विंडो, सन कैपेट, रेड हट, ये सब क्या है, लाइनेक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्स को मैनेज करता है। कंप्यूटर के मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी प्रोग्राम होता है जो उसकी सभी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि जैसे कीबोर्ड के द्वारा इनपुट किया जाता है तो कीज़ को समझना, आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर भेजना, हार्ड डिस्क पर फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करना और कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को के बीच में संचार स्थापित करना, ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना हुआ है, इस टाइप से चार्ट से ही मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी। इसके बाद और भी हैं, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के मैनेजमेंट को देखता है। मेन मेमोरी की जो होती है वो शब्दों या बाइट्स का एक बड़ा एरे होता है जहाँ पर हम शब्द या बाइट्स को अपना पता देते हैं, और मुख्य मेमोरी में तेज गति से डाटा को स्टोरेज प्रदान करती है। ये जो मेमोरी होती है वो सीधे CPU के द्वारा एक्सेस की जाती है। कुछ गतिविधियाँ होती हैं इसकी, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है, यानी इसमें कौन सा भाग किसके उपयोग में है और कौन सा किसके उपयोग में नहीं है, कौन देखता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग में OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तय करता है कि किस प्रोसेस को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। जब कोई प्रोसेस को इसकी आवश्यकता नहीं होती तो इसे समाप्त कर दिया गया है, जो डी मेमोरी को आवंटित करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में OS ये तय करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेस कब और कितने समय के लिए मिलेगा। इस फंक्शंस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग कहा जाता है। इसकी भी कुछ गतिविधियाँ होती हैं, प्रोसेसर प्रक्रिया स्थिति पर नज़र रखता है। इस कार्य के लिए जिम्मेदारी प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। सेकंड है प्रोसेसर, जो कि होता है CPU को एक प्रोसेस में आवंटित करता है। जब प्रोसेस की आवश्यकता नहीं रह जाती तो ये प्रोसेसर को डीआवंटित कर देता है। नेक्स्ट है ड्राइव, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवरों के माध्यम से डिवाइस कम्युनिकेशंस को कंट्रोल या मैनेज करता है। यह डिवाइस मैनेज के लिए निम्नलिखित गतिविधियां होती हैं, जैसे कि सभी डिवाइस का ट्रैक रखता है। इस कार्य के लिए इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है इसे। यह और सेकंड है, यह तय करता है कि कौन सी डिवाइस की प्रक्रिया कब और कितने समय के लिए मिलेगी। डिवाइस को कुशल तरीके से आवंटित करता है, डिवाइसेस को डी आवंटित भी करता है। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट को समान रूप से आसान नेविगेशंस के लिए उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित करता है। इन डायरेक्टरी को फाइल और डायरेक्शंस हो सकती हैं। जब हम फाइल सेव करते हैं
कंप्यूटर में, तो उसमें हम लोकेशन देते हैं, है ना, तो उसमें डायरेक्टिस भी फोल्डर भी बना सकते हैं आप, उसके अंदर फाइल को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप इंफॉर्मेशन, स्थान, यूजर स्टेटस आदि पर नज़र रख सकते हैं, है ना। ग्रुप की जो सुविधाएँ होती हैं उनको आप अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में स्टोर कर सकते हैं। यह तय करते हैं कि रिसोर्स किसे मिले, ये सब कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट। कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है जैसे सिक्योरिटी, पासवर्ड को इसी तरह की अन्य तकनीक के माध्यम से यह प्रोग्राम और डेटा तक अनगिनत पहुंचा सकता है, को क्या होता है वहां जाने से रोकता है, ताकि जो दूसरा डाटा हो वो इस प्रोग्राम से ना मिले। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सर्विस के लिए रिक्वेस्ट और सिस्टम से रिस्पॉन्स के बीच में क्या करता है, ये रिकॉर्डिंग डील करता है। इसके बाद है जॉब अकाउंटिंग। विभिन्न नौकरियां यूजर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले समय और सोर्सेस पर नजर रखता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें केवल एक प्रोग्राम केवल एक समय में एग्जीक्यूट होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल मतलब केवल एक। कंप्यूटर में सिंगल वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक प्रोग्राम एक लाइन में अरेंज रहते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन का एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है जब तक कि प्रोग्राम को कोई पहचान ना हो जिससे उस प्रोग्राम को पहचाना जा सके, इसलिए हम उसको कोई नाम से सेव करते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूजर्स इस पर काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रोग्राम्स का ग्रुप होता है जो कंप्यूटर की क्रियाओं को संचालन करता है और कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करके उसको स्पीड प्रोवाइड करता है ना। इसके कुछ टास्क होते हैं जैसे कि सीपीयू एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच ओवर होता है, अतः मल्टी प्रोग्रामिंग में कई यूजर्स प्रोग्राम सीपीयू के समय को शेयर करते हैं और उसे बिजी रखते हैं। इसके बाद है आजकल कई ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक कार्य एक साथ करने की सुविधा देते हैं जिन्हें हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में एक ही कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट होना ही मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। किन-किन होता है तो आवश्यकता होती है इसकी, फर्स्ट लार्ज मेमोरी, मेमोरी प्रोटेक्शन, पेपर जॉब मिसिंग। नेक्स्ट है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका तरीका भी कैसा है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता था और इसका यूज़ विभिन्न डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता था। इसमें एक कार्ड या पिंच में रहता है, जब ऑपरेटर प्रोग्राम के बैच को एक एक करके एग्जीक्यूट करता है तो अंत में ऑपरेटर उन कार्यों के प्रिंटआउट के द्वारा उसे क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग वर्ड का यूज़ एक प्रोसेसिंग मेथड को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को के इंटरेक्शंस एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।